उत्तराखंड रामनगर में चोरी की वारदातें लगातार सुनने में आ रही हैं। आपको बता दें कि ये घटना पिरुमदारा क्षेत्र की है और पिरुमदारा क्षेत्र में चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम हो रही है। कल रात लालढांग नई बस्ती 13 नंबर में वकील बंद हंसा दत्त पंडलिया और केवा नालंद पंडलिया के घरों को चोरों ने खंगाल हजारों के सामान पर करा हाथ साफ। वकील बंधुओं के घर चोरी घटना को अंजाम देने के उपरांत चोरों ने यशवंत नगर स्थित प्राथमिक स्कूल से भी ताले तोड़कर खाने के सामान सहित अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाया। पीड़ित वकील बंधु निजी काम से दिल्ली गए हुए हैं और कुछ दिन पूर्व चोपड़ा गांव से चोरी हुए ट्रॉली और खनन कारोबारी संजय बिष्ट के डंपर और ट्रैक्टर से निकाली गई बैटरियां का भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाए हैं। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण में रोष तथा भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। रामनगर कोतवाल रवि कुमार सैनी चौकी इंचार्ज विपिन जोशी पहुंचे निरीक्षण के लिए, करी जांच और आगे के कार्यवाही करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये खबर रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में है और चोरी की घटना निरंतर बढ़ने से क्षेत्र में एक भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस को जल्द से जल्द इस चीज में तहकीकात करनी चाहिए और चोरों की धरपकड़ तेज करनी चाहिए। मैडम आपका नाम? मेरा नाम कल्पना मटकाल। ठीक है, यहाँ जो अभी सुनने में आया है कि आपने FIR दी है, कुछ चोरी सामान यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में आप बताइए क्या क्या सामान यहाँ से चोरी हुआ और कब से यहाँ पे चोरियाँ लगातार हो रही हैं? अच्छा, इस समय 14 को हमारा स्कूल खुला था यहाँ पर, तो जब हम जिस दिन हम स्कूल में आए तो हमने देखा कि हमारे विद्यालय की रैंप रेलिंग पूरी तोड़ गई थी, तोड़ करके यहाँ फेंक रखी थी और फिर हमने वो उसको समेटा। उसके बाद हम सीधे किचन में गए, किचन में देखा तो चावल टैंक से निकाल करके चोरी करे गए थे और थोड़े चावल नीचे फैलाए गए थे, ताले तोड़े थे दोनों किचन के, किचन कम स्टोर के दोनों ताले तोड़ दिए थे। हमने फिर दूसरे दिन हमने अपने ताले लगाए, नेक्स्ट डे हम फिर आए, उसके बाद हमने देखा फिर हमारे वहाँ किचन के चावल और नहीं लिए। अच्छा, कितनी बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है? ये लगभग चौथी बार है मेरे आने के बाद। मैं 16 में आई थी यहाँ पर 2016 में, उसके बाद से चौथी बार है। पहले भी हमने कंप्लेन करी थी, उस बार भी इन्होंने स्कूल की दीवार तोड़ना और सारे पेड़ पौधे तोड़ना, बिल्कुल गंदगी फैला करके गए थे स्कूल में। और तो क्या पुलिस द्वारा क्या इस पर एक्शन लिया गया, कोई चोर वगैरह यहाँ पे हाथ आया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमें किसी चोर की मतलब पकड़ में आया, ऐसी कोई जानकारी हमारी उसमें नहीं है संज्ञान में अभी तक। क्या आश्वासन पुलिस ने दिया, आप क्या उम्मीद रखते हैं पुलिस से? उम्मीद तो हमारी पूरी उन पर ही है, हम तो उन्हीं पर आधारित है, इसीलिए तो हम वहाँ भी एप्लीकेशन लेने गए थे। हमने सोचा कि विद्यालय की संपत्ति है, किस तरह से बचा सके, हम तो अपने प्रयास लगे हुए हैं, कोशिश रहती है हमारी कि अच्छा से अच्छा बनाए। अब सहयोग तो हमें उनका ही चाहिए। मतलब आपको सहयोग पुलिस का दिखाई दे नहीं रहा साथ में? अभी तो इतना सहयोग नहीं है फिलहाल, भविष्य में होगा, हम ऐसे ही अपेक्षा करते हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी रामनगर उत्तराखंड की पुलिस इस संदर्भ में आगे कार्रवाई करती है और अपराधियों को पकड़ती है। रामनगर उत्तराखंड से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट, टीम टीवी न्यूज चैनल रामनगर उत्तराखंड।